हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ अफशा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू पकोड़ा रेसिपी, जो हम बिना सोडे के बनाएंगे, जो हल्के फुलके भी बनेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे और फूले फूले भी बनेंगे। ये हमारा आलू है जिसे हमने पील कर लिया है। अब हम इसके स्लाइस करेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा पतले स्लाइस होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइस होने चाहिए, मीडियम होने चाहिए, कुछ इस तरह। अगर हम बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइस काटेंगे तो बेसन की कोटिंग तो अच्छी हो जाएगी पर अंदर से आलू कच्चा रह जाएगा, और ना ही बहुत ज़्यादा पतले स्लाइस होने चाहिए वरना वो चिप्स जैसे लगेंगे, इसलिए हमारे स्लाइस मीडियम कटे होने चाहिए। तो हमने स्लाइस करके ना आलूओं को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम एक किचन टॉवल लेंगे और अपने सारे आलू के स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हम आलूओं का पानी सुखा लेंगे तो हमारे आलू ड्राई हो जाएंगे। तू देखिए, आलू को हमने ड्राई कर लिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बाउल ले लेंगे हम और उसमें एक से डेढ़ कप हम बेसन डालेंगे और हाफ कप हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अगर आप लोगों के पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप उसकी जगह अरारोट भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने से पकोड़े हमारे सुपर क्रिस्पी बनते हैं। ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है जिससे पकोड़ों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। 1/2 टेबल स्पून हम अजवाइन डालेंगे। हथेली पे इस तरह रख के क्रश करके डाल देंगे। अगर आप लोगों को अजवाइन का टेस्ट पसंद ना हो तो आप इसकी जगह जीरा भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1/2 टेबल स्पून हम चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे यानी कुटी हुई मिर्चें। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 1/2 टेबल स्पून हम कुटा भुना जीरा डालेंगे जिससे पकौड़ों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 2 पिंच बराबर हम डाइजेशन के लिए हींग डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्रेशनेस के लिए डालेंगे हम 1 मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही में हम अपनी 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे जिससे हरी मिर्च का एक चटकार आएगा। तो हमने 1 कप पानी यहाँ ले लिया है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर बैटर को फेंटेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और फेंटते रहेंगे। हमें एक पतला घोल बनाना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, ना बहुत ज़्यादा पतला बनाना है, मीडियम घोल रखना है हमें। तो यह हमारा पूरा 1 कप पानी लग गया है। तो हमने 1/2 कप पानी और ले लिया है। तो देखिए, हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो इस तरह का बैटर होना चाहिए कि देखिए नीचे गिरते के साथ ही ना ये बेसन में मिक्स हो रहा है। तो बैटर हमारा परफेक्टली तैयार हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के गर्म होने के लिए रखा हुआ था। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो इधर हमारा बैटर भी सेट हो चुका है। तो हम 1 सेकंड के लिए इसे चम्मच से दोबारा फेंट लेंगे और आप जितना फेंटेंगे ना तो हमारे पकोड़े उतने ही हल्के बनेंगे। तो अब हम फ्राई करेंगे। तो ये हमारे आलू हैं। तो हम थोड़े से आलू अपने बैटर में डाल देंगे। इस तरह से हम आलूओं को बेसन में कोट कर लेंगे। तो हमारा ऑयल हाई फ्लेम पे गरम हुआ था तो हमने इस वक्त लो कर दिया है। अब हम 1-1 अपने आलू के पकोड़े डालते रहेंगे। तो हम 1 स्पून से ऑयल इस तरह से पकोड़ियों के ऊपर डालते रहेंगे। तो देखिए हमारी पकोड़ियाँ कितनी फूली फूली बन रही हैं और हल्की बन रही हैं। और गैस मीडियम टू लो एडजस्ट करते रहेंगे। और जब नीचे से सिक जाएंगी, अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो हम पकौड़ियों को पलट लेंगे और दूसरी साइड भी सेक लेंगे।
तो हमारी पकौड़ियाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो हम इस स्टेज पे अब इसे एक करछी में निकाल लेंगे और अच्छे से ऑयल छान कर हम एक प्लेट में कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो हमारे आलू के पकोड़े बनके तैयार हैं, एकदम फूले फूले हैं, ये क्रिस्पी हैं, हल्के फुलके हैं। और आप मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो स्किप करना चाहो वो स्किप कर सकते हो। देखिए, आपको अगर ज़्यादा सुपर क्रिस्पी चाहिए ना, तो आप इसे दोबारा भी गरम गरम ऑयल में फ्राई कर सकते हो। तो जब हम बाज़ार से लेने जाते हैं ना, तो हलवाई भी बना के रख लेते हैं और इसे दोबारा फ्राई करके देते हैं हमें, जिससे ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाते हैं और ये ना बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। आप इसके साथ चाय ज़रूर लें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके घर गेस्ट आएँ तो आप पहले से ही हाफ़ फ्राई करके रख लीजिए और जब सर्व करना हो तो इसे दोबारा फ्राई कर लीजिए। और देखिए अंदर तक ही कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, एकदम फूले फूले क्रिस्पी, और खाने में ना ये बहुत हल्के रहते हैं। तो इसके साथ हमने सर्व की है ग्रीन चटनी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।